वर्क वर्क डन अपॉन, ओके यही फॉर्मूलाज हैं बेटा, फोर फॉर्मूलाज। अब कोई मुझे, जिसको डाउट्स है ना, एक बार मुझे ये बताओ कैसे क्वेश्चन में डाउट है बेटा। अगर बहुत बेसिक्स क्वेश्चन में डाउट है, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट वन। अगर सिंपल जस्ट जहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है न्यूमेरिकल्स में, वैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर हम थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज बस मेरी समझ लो, हम इस लास्ट फॉर्मूला को छोड़कर बाकी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा बोलिए। एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे? आपको कॉन्सेप्ट बताओ बेटा, एंगल वाला करवाया है तो मैं समझाऊंगी, अदरवाइज ये राइट टाइम नहीं है फिर एक्स्ट्रा चीजें करने का। क्लास में नहीं करवाया है। मतलब ठीक, ऐसा कुछ नहीं करवाया कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं किया? फिर तो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकालिए जरा। बैक एक्सरसाइज में आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो जरा यहाँ पर वहां मैम कॉस ऑफ थीटा क्लास में नहीं करवाए हुए हैं। नहीं करवाया बेटा, कोई बात नहीं, उसके बाद हम नहीं करेंगे ना। फिर हमने क्यों करना अगर आपको क्लास में नहीं करवाया? इस तरीके के क्वेश्चन देखो आपको करवाइए, ये वाला डायग्राम देखो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है इस तरीके से। आई थिंक मैम ये वाले तो करवाए हैं, कॉस वाले नहीं करवाए, कॉस 90 डिग्री एंगल वो वाले। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो सिंपल सी एक चीज है, मैं थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूं आपको। आपको ये पता होना चाहिए, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो ये कैसे केस पॉसिबल है, जैसे कि एक बॉल है जो कि रोल करते हुए जा रही है आगे की तरफ, और आप उसके ऊपर अपना फुट रख के खड़े हो जाओ, तो बॉल का मोशन कहाँ था? डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। एंड यू आर पुश, आपने कैसे अप्लाई किया? बॉल के ऊपर परपेंडिकुलरली, ठीक है। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तब क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी, बताओ क्या होना चाहिए? ये बॉल स्टॉप हो जाएगी या स्टिल मूव होती रहेगी? स्टॉप, जीरो तो वर्क डन कितना हो गया? 0 जूल। तो इतना आपको पता होना चाहिए, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, देन वर्क डन इज 0 जूल्स। ठीक है, इसमें थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, बट आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए। अब देखो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन फोर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव पॉजिटिव। वर्क डन, जो भी वैल्यू है, 2, 3 जूल, 10 जूल, 100 जूल, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, तो वर्क डन की वैल्यू होगी पॉजिटिव। देखो अब यहां पर क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन द सेम डायरेक्शन, देन व्हाट इज द वर्क डन? इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इसमें पॉजिटिव इसको जरूरी थोड़ी अपने एंगल के पर्पस से ही समझना है। यहां पर जब देखो दो चीजें पैरेलल होती हैं, आपने ये मैथ्स में किया हुआ है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो एंगल क्या होता है टू लाइंस के बीच में? 180 नो, पैरेलल लाइंस में 180 थोड़ी होता है। 90 समझ रही हो इस चीज को? ये दो एंटी पैरेलल लाइंस में एंगल होता है 180, तो हम इस तरीके से नहीं समझेंगे, एंगल के थ्रू हम नहीं जा रहे हैं फिर, कि आपने नहीं किया हुआ तो। ठीक है, नाउ इफ द फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या ये केस पॉसिबल है? इज दिस केस पॉसिबल कि आपने फोर्स तो इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रही है? यस मैम, फ्रिक्शन फोर्स, ओके, और कोई एग्जांपल, फ्रिक्शन और कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल से कुछ जो इजीली समझ।
आपने छोटे बच्चों की टॉय कार देखी है, छोटी सी कार होती है, पुश करना पड़ता है पीछे की तरफ, यू आर अप्लाइंग द फोर्स बैकवर्ड, एंड एज सुन एज यू रिलीज द कार, क्या होगा उस कार का, वो आगे की तरफ जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, आपने कार के ऊपर फोर्स कहाँ लगाया, कार के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, बट जैसे ही इसको रिलीज किया ये कहाँ आ गई, आगे की तरफ। समझ आया? तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन टू द वर्क डन? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव। बस तीन केस हैं, अगर परपेंडिकुलर मिलेगा तो वर्क डन जीरो, जरूरी नहीं है फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट यहां पर ही हो, ये उल्टा भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, चाहे तो ऐसे वाला डायग्राम आ जाए चाहे ऐसे वाला आ जाए, दोनों केसेस में वर्क डन विल बी पॉजिटिव, बिकॉज हियर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द वर्क डन विल बी। बेटा छोटी सी चीज है, यहां पर अगर एंगल देखोगे, एंगल आप खुद से बताओ यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। 90 डिग्री। यहाँ एंगल कितना है, अभी मैंने बताया था जीरो 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, और यहाँ पर एंगल कितना मिलेगा आपको, 180 180। बेटा ये सबको समझ आ रहा है या एक ही स्टूडेंट बोल रहा है? ठीक है, बस और कुछ करना ही नहीं है आपने, दैट्स इट। तीन ही एंगल्स हैं, एंगल्स के थ्रू नहीं भी करोगे तो आप सिर्फ इसको इतना याद रख सकते हो कि परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो, जो सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन इज नेगेटिव। मैम, हाँ जी बेटा बोलिए। आपने एंजल लिख दिया। सॉरी, एंजल लिख दिया। चलो एंजल से अब याद रहेगा, मैम ने कुछ एंगल बढ़ाया था। ठीक है, और कुछ, और कोई गलती बता दो, मैं वो भी ठीक कर लूं। एनीथिंग एल्स? नो। ओके जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, कर दो रब, या कुछ किसी ने कुछ नोट करना है तो नोट कर लो बेटा जल्दी से, कर दो रब। चलिए अब सुनो, हमने वहां पे फोर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें से वर्क डन का फॉर्मूला कौन से, और मैं बोलूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये वर्क डन का है, तो क्या मैंने गलत बोला है? नो कौन कौन कह रहा है नो? देख देख के हाथ रेज करते हैं ना, पता है क्या बेटा, वर्क वर्क क्या होता है बेटा, इक्वल्स टू एनर्जी होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलाज को, किसी भी फॉर्मूला को हम एट द प्लेस ऑफ वर्क डन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको शफल करके यूज कर सकते हैं, मैं इस फॉर्मूला को भी W लिख सकती हूँ, मैं इस फॉर्मूला को भी W लिख सकती हूँ, पावर की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इन तीनों, ये तीनों ही फॉर्मूलाज बेसिकली किसके हैं, वर्क डन के हैं, राइट। इस केस यस में वर्क डन जो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। इस केस में वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो नो। इन फॉर्मूलाज को इस तरीके से नोट करो, वहीं पे लिख लो, आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखा इसी के आगे लिख लो इक्वल टू वर्क डन ऑल्सो, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, काटना मत, उसी में आगे लिख लो। क्लियर हो गया बेटा इतना?
अब मुझे ये बताइए किस टाइप के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, क्योंकि कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें हमें रेशियोज निकालनी होती हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर मैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डबल कर दूं, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 मॉड्यूल में से। मॉड्यूल, एक मिनट बेटा, मेरे पास आई डोंट हैव द मॉड्यूल, मैं एक मिनट देख लेती हूँ। पर है मैं, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मीन टाइम आप स्टार्ट करो, मैं मॉड्यूल अरेंज करती हूँ, मेरे पास पड़ा नहीं है बेटा इस टाइम। देखिए जरा, व्हाट हैपेंस, यार व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम समझा दो, हाँ जी बेटा लीनियर लीनियर मोमेंटम समझा दो। मोमेंटम भी समझ लेते हैं बेटा, कर लेते हैं, अभी है हमारे पास टाइम, समझ लेते हैं। इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, सेकेंड लिखिए वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एंड थर्ड, चलो दो ही करो फिलहाल। हाँ जी बेटा, ये एक समझ आया किसी को? मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल। नाउ व्हाट इज द, काइनेटिक एनर्जी हाँ जी बेटा डबल हो जाएगी, बट कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है बेटा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अभी जो चीज आपको डबल, हाफ, वन थर्ड, जो भी करने को बोला गया है ना, सिर्फ उसी के ऊपर कंसंट्रेट करो, बाकी चीजों को आप भूल जाओ। जो चीज आपको चेंज करने के लिए बोली गई है सिर्फ उसी को देखो। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। हमने हाफ को भी भूल जाना है, हमने वी स्क्वेयर को भी भूल जाना है ये प्रेजेंट है, बट हमने अपने न्यूमेरिकल के लिए टाइम बींग इनको छोड़ देना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर, हेयर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम। नाउ इफ मास इज डबल्ड देन व्हाट हैपन, देन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है आपको, यस इफ मास इज डबल्ड काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस इफ वन थिंग इज इंक्रीज देन अनदर थिंग विल आल्सो इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। तो इफ मास इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी डबल्ड। व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट, अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो अगेन यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, नाउ इट मींस यू विल फॉरगेट 1/2 एंड एम, यू विल सी द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो बेटा, ठीक है। हेयर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ इफ
वेलोसिटी इज डबल्ड, वेलोसिटी इज डबल्ड, देन व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स। डबल का मतलब वी की जगह वी क्या हो गया, 2V हो गया, तभी डबल माना जाएगा ना, अगर पहले 5 था तो अब 10 हो गया। इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो कितना आया, 4V स्क्वायर। कितना इंक्रीज हो गई, पहले काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर थी, अब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 4V स्क्वायर है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। समझ आया बेटा, क्लियर हुआ ये? अब Yes. क्या बच्चे, डबल प्लीज है नोट इट डाउन बेटा, प्लीज जस्ट कंप्लीट इट। बेटा कंप्लीट कर लो इसको जल्दी से। ओके डन बेटा, सबने कर लिया? हाँ जी बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? ठीक यस है। अच्छा, अगर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो, पोटेंशियल एनर्जी किस किस चीज के ऊपर प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू अनदर क्वांटिटी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एमजीएच। नाउ टेल मी वन थिंग, इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट एट प्लेस ए और आपने इसको हाइट बी तक लेकर जाना है, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दिस इज द हाइट एच। एक तो आपके पास रास्ता है कि आप सीधा सीधा चले जाओ, और दूसरा है कि आप पॉइंट ए पर तो थे बट आपने पाथ क्या चूज किया, इस तरीके टू रीच द सेम हाइट बी, ठीक है, आप इस तरीके से जा रहे हो। इन केस द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, लेट अस से दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू। नाउ टेल मी, इन विच केस यू हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी? इन केस टू ओके, कोई और? इन केस टू इक्वल, ओके, इक्वल वाला कौन है? 9B नाइन्थ बी। आ जाओ बेटा, जरा माइक के पास आओ जरा एक बार। बैठे ही बोल दो बेटा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ के आराम से बोल दो। हाँ जी, वाई इट इज इक्वल? आप कह रहे हो कि केस वन और केस टू दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी सेम, बताइए। मैं हाइट इक्वल ही है दोनों केसेस में। हाइट इक्वल है, ओके, ठीक है। देखो बेटा, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? मास। क्या दोनों केसेस में सेम ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं किया, क्या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से डिफरेंट था दोनों केसेस में? तो नो यहां पर मास था एम और यहां पर भी मास था एम,
जी जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, है ना, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस केस में और इस केस में क्या ग्रेविटी डिफरेंट है? नो नो। तो अगर यहाँ पर ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ भी तो ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर हाइट इतनी है, क्या यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है? बताओ। नो सिर्फ पाथ चेंज हुआ है, हाइट चेंज नहीं हुई है। एक आप गोल 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 रैंप से घूम कर जा रहे हो, ठीक है, एक आप लिफ्ट से गए, गए तो सेम हाइट तक ही ना। आप ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पर जा रहे हो, एक तो लिफ्ट से जा रहे हो और एक आप घूम घूम कर जा रहे हो, हाइट में वेरिएशन आया कोई? बताओ, ये से यस और नो। नो। तो हाइट इस केस में एच है और हाइट इस केस में भी एच है। जब दोनों क्वांटिटी सेम है, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या चेंज होगी या सेम रहेगी दोनों में? सेम रहेगी। बताओ, पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इन तीनों में से कोई फैक्टर अगर चेंज होगा, देन पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज। इफ मास चेंज तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, इफ ग्रेविटी विल चेंज देन पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, चेंज हाइट चेंज होगी देन पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, पाथ चेंज होने से चेंज नहीं होगी। ये पाथ अगर इस तरीके से होता, आप ऐसे जा रहे होते, देन तब भी पोटेंशियल एनर्जी वही होती जो कि पहले थी। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? चलिए यस ये नोट कर लो बेटा क्वेश्चन, ये डायग्राम बना लो, चाहे इसका पहले वाला बना लो और लिख लो, इन विच केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, ना लिख लो, फिर मैं आंसर आपको डिक्टेट कर देती हूँ। आपका कैमरा बंद हो गया है। एक मिनट बेटा, कैसे हो गया? ठीक है, योर माइक इज ऑफ।
हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ कि आपकी वर्कशीट में है सबके पास जो वर्कशीट दी गई थी असाइनमेंट? क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट का डाउट था, क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9th है बच्चे, प्लीज डोंट टॉक। चलिए ये कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 किसी का असाइनमेंट में डाउट था बच्चे, किसी स्टूडेंट का, टेक आउट दैट क्वेश्चन, हम पहले वही सॉल्व कर लें। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबके पास है ना क्वेश्चन, शेयर कर लो अगर किसी के पास वर्कशीट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर असाइनमेंट, वाटर इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 1000 kg per second, 1000 kg per second, पर सेकेंड मतलब इन 1 second 1000 kg ऑफ वॉटर इज फॉलिंग। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो तो आपको मास दिया गया है 1000 kg, पर सेकेंड मीन्स 1 second, तो टाइम आपको दिया गया है 1 second का। द हाइट ऑफ द फॉल इज अबाउट 100 meter, हाइट कितनी दी गई है बेटा 100 meters, बी वेरी केयरफुल फॉर यूनिट्स। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉटर वेन इट फॉल्स ऑन द ब्लेड्स विल बी कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड्स, टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 meters per second square, एस्टिमेट द पावर, पावर हमें कैलकुलेट करनी है, वी नीड टू कैलकुलेट पावर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, वर्क डन। अब देखो वर्क डन, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला उठाए वर्क डन के लिए हम, मेरे पास मास है बस एम जी एच अपॉन टी, नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर, मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। 10 raised to power 6, यूनिट क्या होगी, जूल, वॉट, मास इज 1000, ग्रेविटी इज 10, हाइट इज 100, टाइम इज 1, तो कितनी जीरोस आ गई, 1 2 3 4 5 6, विच इज इक्वल टू 10 raised to power 6 वॉट, राइट, क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, 12th question, 12th, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या डाउट है इसके अंदर। टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव द सेम, मैम नेटवर्क चला गया क्या, देखना सबसे सारी खत्म हो गए, मेरा हाथ कहीं लगा, मैंने देखा तो रिमोट पे लगा था मेरा हाथ, मैंने कहा कि मेरा हाथ लग गया, पर देख लो आप, हाँ वैसे भी मेरा रिमोट पे लगा था, मुझे लग रहा है नेटवर्क ही सारा उड़ गया, सारा हमारी साइड से गया, तभी मैं आई हूँ, मैंने कहा मैम से पूछूं क्या हुआ है, क्योंकि उनका ऐसे जाता नहीं है ना। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12, चलिए, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, टू बॉल्स हैं जिनका मास क्या है, डिफरेंट है, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, ये सबका नोट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जब खत्म कर रहे हैं तो रोक के रखना।
क्वेश्चन नंबर 12। टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस, मतलब एक बॉल का मास एम वन और एक बॉल का मास एम टू, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? सेम है, ठीक है। देन हैवियर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम देन द लाइटर बॉल, लाइटर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम देन द हैवियर बॉल, बोथ बॉल्स हैव इक्वल मोमेंटम, बोथ बॉल्स हैव जीरो मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम वाले न्यूमेरिकल्स करवा दो। ठीक लीनियर मोमेंटम बेटा फोर्स वाले चैप्टर में है, इसमें अगर कोई ऑट आउट नहीं है तो हम वहां पर चल सकते हैं बेटा, क्योंकि फिर मोमेंटम का मैं वहीं से क्लियर कर दूंगी ना। ओके मैम। हाँ मैम 18th क्वेश्चन भी करना है अभी और 20th भी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। हाँ जी पहले इसका बताओ मुझे क्या आंसर होगा, किसको आता है इसका आंसर? यार सबको ही नहीं आता, एनीवन जो आंसर देना चाहे, ऐसा तो नहीं हो सकता इतने स्टूडेंट्स में किसी को भी ना आता हो, बताइए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड ऑप्शन मास इनटू वेलोसिटी है ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेम है, मासेस अलग है। देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, इसको लॉजिकली एक बार समझ लो, इफ काइनेटिक एनर्जी सेम मासेस इज डिफरेंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखो, एक आपके पास लाइटर बॉल है और एक आपके पास लेट अस से हैवियर बॉल है, इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, बट काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, लेट अस से दोनों के पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये 10 जूल वैल्यू सेम कब आएगी? जब इनकी वेलोसिटीज में चेंजेस होंगे। लाइटर बॉल अगर फास्ट मूव करेगी और हैवियर बॉल स्लो मूव करेगी तो क्या होगा? तब काइनेटिक एनर्जी सेम आएंगी, इसको ध्यान में रखना। लाइटर ऑब्जेक्ट जिसका मास कम होता है दैट हैज मोर वेलोसिटी फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब आप दो स्टूडेंट्स हो, एक हैवी है एक का मास कम है, या आप और आपका कोई छोटा ब्रदर सिस्टर है, मास एक का कम है और एक का मास ज्यादा है, बट दोनों सेम स्पीड से चल रहे हो, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। तो जो छोटे वाला बच्चा है उसको आपके साथ चलने के लिए थोड़े स्टेप्स फास्ट फास्ट लेने पड़ेंगे, तभी वो आपके साथ चल पाएगा बराबर, ठीक है। तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट को फास्ट चलना पड़ता है, हैवियर ऑब्जेक्ट थोड़ा स्लो हो जाता है टू गेट द सेम काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई? इट मींस यस जो वेलोसिटी एम वन की है ये मोर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो लेस है। अब इसी चीज को ले आओ मोमेंटम के पास, समझ आई ये बात? क्लियर हुआ? अब मुझे ये बताओ, अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम मुझे निकालना है एम वन वी वन और दूसरे का मोमेंटम हुआ एम टू वी टू, ठीक है, ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट साथ में ही आ गया आपका, तो मुझे अब ये बताओ ये इक्वल होंगे, लेस होंगे या मोर होंगे? काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल होती है तो बेटा मोमेंटम्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है देन द मोमेंटम्स आर आल्सो इक्वल, तो क्या है इसमें ऑप्शन? हाँ बोथ बॉल्स हैव इक्वल मोमेंटम, ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो, सिंपल एक सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है कि काइनेटिक एनर्जी जिसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि अगर ऑब्जेक्ट मास एम वन कम है और मास एम टू ज्यादा है, कौन क्वेश्चन समझाना। सा बेटा? मैम सर ने तो पहली ऑप्शन टिक करवाई थी। मैं इसको कंफर्म कर दूंगी बेटा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इसका यही आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी जिसका मास कम होगा दैट विल हैव मोर वेलोसिटी एंड दैट विल हैव लेस वेलोसिटी। मैम आपके वाला करना है या सर वाला? मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ बेटा इसका आंसर, ठीक है। ओके मैम।
क्वेश्चन नंबर 18 किसी ने कहा था? मैम 11th भी। ओके देख लेती हूँ, पहले 18 देख ले एक बार किसने कहा था मुझे। बेटा ये तो ट्राई करो एक बार 14th क्वेश्चन। अब तो मैंने फॉर्मूलाज आपको समझाए हैं यहाँ पर। चलिए, पेयर ऑफ बुलेट्स एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ, देखो फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे 140 न्यूटन। 15 बेटा डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 15 मीटर। वर्क डन निकालना, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। 15। पहले मुझे ये बताओ फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? एनी डाउट इन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस? एनी डाउट इन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस? नो इलेवन टू 15 में? इलेवन फिफ्टीन। चलो पहले 15th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, इसको नाइन्थ क्वेश्चन। बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जस्ट डू इट योरसेल्फ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला आएगा इसके अंदर। देखो मास गिवन है, ओके मैम। ठीक है, हाइट गिवन है और जी गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपका है 15th क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ पहले आपको। फोर मेन लिफ्टेड 250 kg बॉक्स टू हाइट 1 मीटर, क्या गिवन है? लिखो जरा क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में जल्दी से, राइट इट डाउन। पहले सबसे पहले 250 kg क्या होता है? 20 बीमा क्वेश्चन। मास। आफ्टर दैट मास के बाद क्या गिवन है आपको? हाइट, वो भी लिख लो 1 मीटर। एंड होल्ड इट विदाउट रेजिंग और लोअरिंग इट, उसको सिर्फ होल्ड कर रखा है। फोर एक बॉक्स को लिफ्ट किया, उसको वहां पर होल्ड बाय द मैन इन लिफ्टिंग द बॉक्स। बेटा अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो वर्क डन का? फॉर्मूला यस बोलो। देखो एक बॉक्स यहाँ पर है, उसको 1 मीटर की हाइट तक रेज करना है, ठीक है। मास कितना है? 1 मीटर की हाइट है, मास कितना है? 250 kg। वर्क डन आपसे पूछा गया है। अब देखो वर्क हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ होती है? जी होता है डाउनवर्ड। जब ये डाउनवर्ड होते हैं तो इसकी वैल्यू को हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगर वर्क डन डाउनवर्ड होता फिर हम लेते पॉजिटिव। नाउ द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। हम ऑब्जेक्ट को जब ऊपर लिफ्ट करते हैं तब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। उस केस में जो जी की वैल्यू ली जाएगी बेटा दैट विल बी -10 और -9.8 जो आपको सुटेबल लगे। सब कुछ गिवन है, यू कैन फाइंड द वर्क नाउ, ठीक है। सेकेंड पार्ट, हाउ मच वर्क डू दे डू इन जस्ट होल्डिंग इट। फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला लगा दो बेटा, वर्क डन इज एम एच, ऑल द वैल्यूज आर गिवन, हाइट, मास एंड ग्रेविटी। सेकेंड पार्ट, हाउ मच वर्क डू दे डू इन जस्ट होल्डिंग इट। जब उसको, हाँ जी, अगर होल्ड कर लिया ना बेटा, होल्ड करने से क्या होगा? वाइल होल्डिंग एच विल बी जीरो, हाइट जीरो हो गई। अब यहां आकर रुक गए ना 1 मीटर की हाइट पे, हाइट जीरो हो चुकी है। अगर कोई भी वैल्यू इस फॉर्मूले में जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी जीरो। हाउ डू दे गेट टायर्ड वाइल होल्डिंग इट? सॉरी, वाई डू दे गेट टायर्ड? अगर आप कोई चीज ऐसे होल्ड करके रखोगे, अगर आप अपनी कॉपी भी ऐसे होल्ड करके रखोगे ना थोड़ी देर के लिए हाथ में, तो हाथ दुखने लग जाएगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी।
हाउ, रिलेट करो जरा इसको, फिर आपको रिलेट करना आना चाहिए। मैम, क्योंकि हम उसको ऐसे ऊपर मैं ड्यू टू पकड़ ग्रेविटेशनल पुल ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, और कुछ वेट तो आगे तो कुछ बोलो इसके साथ। ग्रेविटी तो बहुत कुछ करती है, मैम, ग्रेविटी ने क्योंकि बता दिया आपको, ग्रेविटी ग्रेविटी पृथ्वी को आप एक्ट करती है और हम उसको ऊपर को पकड़ के रखते हैं, यस तो उसको वी मैं करने में यस वी उसमें आर होल्डिंग दैट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे ही उसको छोड़ोगे तो वो नीचे गिर जाएगा। इट मींस यू आर अप्लाइंग योर मस्कुलर फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू होल्ड इट। समझ आया? लिखो इसका आंसर, तीनों पार्ट्स कंप्लीट करो जरा जल्दी से। अब तीनों के पार्ट, तीनों पार्ट्स। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द 20th क्वेश्चन, भी किसी का डाउट था, एंड 11th क्वेश्चन। जल्दी से कंप्लीट करो। यस बच्चे, डन? रब कर दो बेटा। यस फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया एमजीएच के केस में? मास इज 1, जी इज -10, सॉरी मास इज 250, जी इज -10 एंड हाइट इज 1, तो ये बना -2500 जूल्स। वाइल होल्डिंग हाइट इज 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0 जूल। एंड थर्ड पार्ट में द पर्सन विल गेट टायर्ड बिकॉज दे आर डूइंग वर्क, अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क नहीं है बिकॉज दे आर, वर्क तो कर ही नहीं ना रे, वर्क तो जीरो हो गया व्हाइल होल्डिंग, बिकॉज दे आर अप्लाइंग द फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये वाला फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू होल्ड द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th देख लो बेटा आप जल्दी से। टाइम इज ओवर क्वेश्चन नंबर 11th कर लो बेटा। मैम, टाइम हाँ जी बेटा, मुझे इज ओवर। बोला है कि 5 मिनट ले सकते हो एक्स्ट्रा, तो आई विल डिस्कस द ओके 11th मैम, आफ्टर दैट, ठीक है? हाँ जी। टू द मासेस ऑफ अ बॉल ए इज ट्वाइस द मास ऑफ अनदर बॉल बी, द बॉल ए मूव्स एट हाफ द स्पीड ऑफ द बॉल बी, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। बेटा जब भी रेशियो निकालनी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ
बी मुझे ये निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितनी है, हाफ। मास देखो बोला गया है, मास ऑफ बॉल ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बॉल बी, तो ट्वाइस एम कर दें क्योंकि डबल है। अगर बॉल का मास, बॉल बी का मास, इफ द मास ऑफ बॉल बी इज एम, तो बॉल ए का मास 2m हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? द बॉल ए मूव्स एट हाफ द स्पीड ऑफ द बॉल बी। जितनी भी बॉल बी की स्पीड है, बॉल बी की स्पीड लेट अस से वी है, तो बॉल ए की स्पीड की क्या है, उसकी हाफ, 1/v का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, रेशो, रेशो का मतलब बेसिकली डिवीजन ही हो जाता है। ठीक है, अब बी का केस लिखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी लिखना है मुझे। हाफ, बॉल बी का मास कितना था बेटा, एम, और बॉल बी की स्पीड कितनी थी, वी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इनको डिवाइड करके कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, 1/2 इंटू 2m इंटू 1/4 v स्क्वेयर, होल डिवाइडेड बाय, मैंने फिलहाल लिखा है क्योंकि कैलकुलेशन इजी करनी है हमें थोड़ी, एम वी स्क्वेयर। रेशियो का मतलब डिविजन ही होता है, तो ये बना, कैलकुलेट कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट right? समझ आ रहा है? तो ये बना एम वी स्क्वेयर बाय 4 इंटू 2/mv स्क्वेयर। मल्टीप्लाई को और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई लिखते हैं तो रिवर्स कर देते हैं, ये सबको पता है ना, पी अपॉन क्यू होगा तो क्यू बाई पी लिखा जाएगा रिवर्स करके। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, देखो ये एम वी स्केयर पूरा कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, तो रेशियो क्या निकली आपके पास, 1/2 आ गया इज 1:2। ये देखो 1/2 बचा यहां पर बस, इक्वल टू 1:2। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैम एक बार और समझाना। क्या पार्ट समझाऊं बेटा, बोलो। देखो रेशियोज जब भी हमें बोली जाती है ना बेटा, चाहे तो आप इसको ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, आप इस तरीके से लिखकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितनी बोली गई है, हाफ डबल ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। M20 था क्वेश्चन समझाना। एक मिनट बेटा, मैं ये डिस्कस कर लूं पहले। तो बी का मास अगर एम है, तो ए का, ऑब्जेक्ट ए का मास बी के मास से डबल है, एम का डबल मतलब 2m, स्पीड का हाफ मतलब 1/2 इंटू वी। यहां तक क्लियर है, ये पार्ट क्लियर, उसका होल स्क्वायर। अब इसी को मैंने यहां सॉल्व किया, 1/2 2m, 1/2 v स्क्वायर मतलब 1/4, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड v स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय b का केस क्या है, 1/2, मास ऑफ द बॉल बी इज m, स्पीड ऑफ द बॉल बी इज v, तो ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर, तो ये सेम आ गया। इसको सिंपली मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अरेंज कर दिया, बस एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व किया है। अगर कैलकुलेशन में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताओ, फिर मैं सिंपलीफाई कर दूं। बोलो, हाँ जी, 20th क्वेश्चन समझाना। 20th में समझाती हूँ बेटा, स्टार्ट करो जरा, लिखो क्या क्या गिवन है आपको जल्दी से। No.
करा दो, टाइम कम है। हाँ जी हाँ जी चलो। काइनेटिक एनर्जी, अ बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड एज शोन बिलो, पोटेंशियल एनर्जी इज 80 जूल, काइनेटिक एनर्जी इज 0। पोटेंशियल एनर्जी 80 जूल, काइनेटिक एनर्जी इज 0 जूल, ठीक है, एट पॉइंट ए। एट पॉइंट बी व्हाट इज हैपनिंग, काइनेटिक एनर्जी इज 48 जूल, एंड एट सी पोटेंशियल एनर्जी इज 0 जूल। ये हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? देखो बच्चे क्या चीज होती है, इन दोनों का सम जो टॉप पे था, जब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर था एट हाइट h, देन पोटेंशियल एनर्जी आपकी थी 80 जूल, काइनेटिक एनर्जी थी आपकी 0 जूल एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सम कितना था दोनों का? दोनों को सम करेंगे तो 80 प्लस 0 विच इज 80 जूल। फिर पॉइंट बी है एंड देन पॉइंट सी। सी पॉइंट पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई 0। रीजन क्या है 0 होने का? क्योंकि हाइट 0 हो गई है। एट पॉइंट सी एम जी एच हाइट 0 हो गई, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। बट व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी? सम हमारा 80 ही रहना चाहिए। यहाँ पे जो सम है ना एनर्जी का, वो हमारा हर केस में 80, 80 और 80 ही आना चाहिए। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एट पॉइंट सी? मैम 80। तो जो मैक्सिमम, इसको ना एक लॉजिक को याद रखो, जो मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पर होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, वही काइनेटिक एनर्जी होगी लोएस्ट पॉइंट पे। ये वैल्यू हमेशा सेम होती है। अगर यहाँ पर होता 100 तो यहाँ पर आंसर आता हमारा 100 जो टॉप पर होगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉल एट बी? पोटेंशियल एनर्जी बताओ अब यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, बताओ। जो 32 जाउल। 32 जूल, वेरी गुड, ठीक है, समझ आया ये। क्योंकि इसका रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज द सम, टोटल सम ऑफ द एनर्जीज विल बी सेम। पॉइंट बी का सेकंड पार्ट का आंसर लिखो, एज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सेम। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी कितनी थी 80 जूल, माइनस 48 जूल विच इज इक्वल्स टू 32 जूल। डू इट लाइक दिस, ठीक है, रीजन के साथ देना है आपने। थर्ड का मैंने आंसर बता ही दिया, कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर? हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी राइट बच्चे, समझ आ गया यहाँ तक? यस अच्छा क्वेश्चन नंबर 12th का बेटा बी पार्ट, ए पार्ट ही मार्क कर लो। ए बी सी डी ई ऑप्शन लिखी हुई है, तो बी वाली जो फर्स्ट ऑप्शन है, हायर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। और कोई डाउट बेटा? 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, यहां तक मैम सब? 12th में कैसे ऑप्शन आई? अब मैं एक्सप्लेन करूं पहले? टाइम है तो करा बताओ। दो चलो ये रब कर दूं नीचे का सारा। चलिए अच्छा, 12th के अलावा कोई और ऑप्शन क्वेश्चन डाउट है तो बेटा बता दो, वो मैं ब्रीफ कर दूं, फिर 12th करते हैं। 13, 14, 15 सब क्लियर है? ठीक मैम। यस है। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन। क्यों?
क्योंकि जो फोर्स है वो टेंशन के अलोंग एक्ट करेगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी मैम, वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, इसलिए परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा जो आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए नाउ 12th क्वेश्चन में बेटा क्या चीज थी, हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव, हैवियर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा है बेटा, जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। मैं आपको ज्यादा ट्विस्ट करके नहीं समझा रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। सो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। देखो सपोज एक कार है आपके पास और एक ट्रक है, किसका मास ज्यादा है, ट्रक। तो इसको मूव करने के लिए आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा या ज्यादा लगाना पड़ेगा, किसको किसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ट्रक को। तो जिसको ज्यादा, जिसका ज्यादा मास उसका मोमेंटम भी ज्यादा, मोर द मोमेंटम। देखो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है यहां पर, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है, देखा दिया हुआ है ना, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस, तो जिस बॉल का मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा। इज इट क्लियर? नहीं, यस। ठीक है, ओके। कोई और क्वेश्चन इसमें डाउट है तो बेटा बता दो, नहीं तो फिर हम चलते हैं, आप अपना करो फिर काम। मैम 17 क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा बताओ, जैसे ही बॉल गिरेगी फॉल करेगी, इट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। अदरवाइज और अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। स्टॉप हो गई, काइनेटिक एनर्जी का पूछा है, कन्वर्ट नहीं पूछा, उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, वो भी होगा जो आपने बोला, बट काइनेटिक एनर्जी स्टॉप होने के बाद, देखो एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से फॉल किया, यहां आकर स्टॉप हो गया, स्टॉप होने से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर्स पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 समझ आया? तो ये हाफ एम कैसे आएगी बेटा, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद। काइनेटिक एनर्जी 0 जूल हो जाएगी, एंड कुछ एनर्जी, कुछ रिमेनिंग एनर्जी अगर बचती है तो वो हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0 एंड अलोंग विद दैट हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। राइट बच्चे, इज इट क्लियर? यस। कोई और डाउट बेटा? नो। चलिए देन, ओके बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। दिस इज ओके, बाय। बच्चों एक मिनट रुकना बच्चा, एक मिनट बस, तो बस अब मुझे ये बता दो, वर्क एनर्जी क्लियर हो गया सबको? सारे इन सेक्शंस एक ही की आवाज आ रही है, मुझे हाथ खड़ा करके बताओ जिसको डाउट है, जिसको अभी भी डाउट है। एनीबडी क्लियर? अब तो गलतियां नहीं होगी पेपर में, थीटा वाला कंफ्यूजन दूर हो गया? यस। चलो अब आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं गया,
थोड़ा थोड़ा सा जाना भी चाहिए बेटा, है ना। ये क्या कि हमने सुबह जो है वो परौंठी ही खानी है, हमने कुछ और खाना ही नहीं है, है ना। सुबह भी आज परौंठी खा ली, आज मम्मा ब्रेड दे दो, आज हमें पोहा दे दो, आज हमें उत्पम दे दो, ऐसा हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आज अब हम थोड़े टाइम डिनर ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा सा बेटा, हमारा फायदा क्या होना चाहिए हमारे आने का, कि हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रॉडली बताएं, ठीक है। ऑल दो एग्जाम्स है, आपको एग्जाम्स का स्ट्रेस है कि ब्रॉडली बाद में, पहले एग्जाम पे काम करें, ठीक है जी। आर यू रेडी? थोड़ा थोड़ा सा हम बाहर जाने के लिए भी रेडी है ना, ठीक है। चलिए एग्जाम्स के बाद, ठीक है। और कल आपने मैथ्स के डाउट्स लेके आने हैं, राइट? ओके ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू टीचर्स, बाय बेटा, बाय।